बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड सुनने में तो ऐसा लगता है कि जिसमें लाइफ हो वैसी दुनिया, ऐसी दुनिया है ऐसा वर्ल्ड जिसमें लाइफ हो, वो हमारा अर्थ है, यही है ना। लेकिन क्या अर्थ में हर चीज में लाइफ है? नहीं है, हर चीज जिंदा तो नहीं है, कुछ चीजें। और अगर लिविंग की बात करें तो प्लांट और एनिमल के हुए कर सकते हैं, और तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट इज लिविंग? द लिविंग प्रोसेसेस पोजेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक शेप एंड साइज। जो भी लिविंग होगा कुछ ना कुछ उसका शेप तो होगा ही, और कुछ ना कुछ साइज भी होगा। उसके अंदर आपको ग्रोथ दिखेगा। अगर मैं ये पेन लू और इसको यहाँ पे कितना भी खाद पानी कुछ भी दू, ये इसमें ग्रोथ दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन कोई प्लांट या एनिमल में आपको ग्रोथ दिखेगा, हाँ सर्टेन एज तक दिखे, सर्टेन लिमिट तक दिखे, लेकिन ग्रोथ आपको दिखेगा। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सबसे बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके अंदर लाइफ होगा वो एक से दो होंगे। एनिमल में भी ऐसा ही होता है, अपने ही जैसे दूसरे ऑफस्प्रिंग या बच्चे को जन्म देते हैं, और प्लांट से भी उनके बीच से बहुत सारे पौधे बनते हैं। ठीक है, एक एक लाइन बताने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी में तो बहुत ही अच्छा काम, कोई टेंशन ही नहीं। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है कि डिफरेंस बिटवीन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। अब ये एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म क्या है? तो इट इज सम ऑफ सम टोटल ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस मतलब कि रचनात्मक काम, जो उसमें कुछ ग्रोथ रोथ दिखता है उसको एनाबोलिज्म लेके चलता है। और कैटाबोलिज्म इज सम ऑफ टोटल ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस, मतलब जिसमें चीजों का खात्मा नुकसान तोड़ा जाए। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। एनाबोलिज्म में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। आप लोग बातें क्यों करते हो बदहो? बट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर फॉर्म फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, और यहाँ है सिंपलर सब्सटेंसेस आर फॉर्म फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वंस। इसमें एनर्जी स्टोर होगी और इसमें रिलीज होगी, पेपर में आ जाएगा तुम्हारे अगर एनसीईआरटी की बुक में। प्रोसेसेस क्या होंगे? रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। एनाबोलिज्म क्या करता है? ये ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जब भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी तो एनाबोलिज्म के अकॉर्डिंगली होगी, या उसी के कॉन्टेक्स्ट में। मेंटेनेंस मतलब कोई घाव हो गया, चोट लग गया, टूट फूट हो गया, तो भी एनाबोलिज्म के तहत ही ठीक होगा। कैटाबोलिज्म में क्या होगा? रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, हम अपनी बॉडी की जो भी परफॉर्म करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव परफॉर्मेंस है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी है, जो भी चीजें है, वो सारे काम कैटाबोलिज्म। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटोप्लाज्म होगा, डेफिनेट लाइफ साइकिल होगा। लाइफ साइकिल मतलब कि कितना दिन जिएगा, कैसे। रिप्रोडक्शन होगा, उसके अंदर ग्रोथ भी होगा, उसके अंदर मूवमेंट्स भी होंगे, रेस्पायरेशन भी होगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा, न्यूट्रिशन भी होगा, सेलुलर स्ट्रक्चर भी। ये सारी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगा, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए जो एनसीईआरटी में हमको उतना ही पढ़ना है, तो आप रिलेटेड के हिसाब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सेल का ही बना होगा। तुम वहां बैठो, चलो हटो वहां। वो किसका बना होगा? सेल का ही बना होगा। न्यूमरस ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल कैरी आउट वैरायटी ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। सेलर ऑर्गेनिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज नो लिविंग स्ट्रक्चर हैज सेलर स्ट्रक्चर।
मतलब कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर सेल तो जरूर होगा, सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से, सेल के बनने के हिसाब से उसमें काम होगा। मतलब कोई प्लांट हो या एनिमल बिना सेल का बन सकता है? नहीं बन सकता। हाँ, तो सबसे बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है। नहीं, हमारे बॉडी का हर पार्ट अलग अलग सेल से बना हुआ, ठीक है। और सबसे बड़ा जो सेल होता है एक एग होता है, ठीक है ना। एग भी तो ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा जो होता है वो, जैसे हमारे बॉडी में तो आरबीसी जो होता है ना, सबसे छोटा सेल होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब कॉन्सियसनेस इज एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस वेरियस एनवायरमेंटल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुली एंड टू रिस्पॉन्ड टू देम टू कीप अ बैलेंस कंडीशन कॉल्ड होमोस्टेसिस। अब करने का मतलब है, कॉन्शियसनेस का मतलब कि कोई चीज की चेतना। अब एक बात बताइए, किसी भी प्लांट को अगर आप कट करते हो ना तो उसमें भी सेंसेशन होता है, उसको दर्द होता है। और उसी तरह किसी भी जानवर, एनिमल या इंसान को मारोगे तो उसको चोट होगा, लेकिन इस पत्थर को या ईंट को मारोगे तो कोई रोक नहीं लगेगा, उसको कोई भी सेंसेशन नहीं, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस भी बेहोशी या होश में रहना, यह सब किस में होगा? उसी के अंदर आएगा। The reaction or response by living organism to the change in environment is called sensitivity. हमारे आसपास के environment में जो change होगा उसके हिसाब से जो हमारा reaction होता है, response होता है, उसे इसको sensitivity कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी ऐसा temperature है कि हम लोग fan चला सकते हैं, लेकिन जनवरी 10 हो और temperature हो मैंने कि 4 degree, तो क्या हम चला सकते हैं? चलाते ही आदमी का हालत खराब हो जाएगा। तो यही तक था आपका डेफिनेट लाइफ साइकिल मोमेंट भी। ये मेटाबॉलिज्म तो बताया ना हमने, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक उसी के अंदर बताया था। देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन में मतलब सेम टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, मैंने कि जन्म देना, बैगेट करना। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, वो हाइड्रा है तो हाइड्रा के बच्चे को जन्म देगा, इंसान है तो इंसान के बच्चों को, और प्लांट है, अगर बरगद का पेड़ है, बनियन ट्री है तो बनियन का ट्री ही उसके बीच से आएगा, है ना। यही रिप्रोडक्शन है। प्लांट में दोनों होता है, दोनों अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह से होता है, ठीक है ना। तो सेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। पता है, जैसे हम आपको बताएंगे, जैसे आपने है ना सीड देखा होगा, एंथर देखा होगा, और स्टिग्मा भी देखा होगा, जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है, जो फूल होता है ना उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। तो जो एंथर होते हैं ना, जो बीज ऊपर के होते हैं, वो टूट के किसी भी कारण से अगर उसके क्या कहते हैं फीमेल पार्ट में स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे और पोलिनेशन हो जाएगा, तो फिर वहां पे बीज बनता है, तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और असेक्सुअल में मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं मोस्टली उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, और जो फ्लावरिंग नहीं होती उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन एनिमल्स में तो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, जैसे कि क्या कहते हैं कॉकरोच में भी, और जैसे ये हो गया आपका हाइड्रा हो गया, बहुत सारे लगभग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें तो ऐसा ही चलता है। The protoplasm of a living organism is formed different type of biomolecules which are continuously consumed or synthesized or interchanged by various type of chemical reactions collectively called metabolic reaction or metabolism. Metabolic reaction may be anabolic or catabolic. तो मैंने ये बता ही दिया, इसके दो पार्ट होते हैं। हाँ, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये दोनों मिलके ही मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ को बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो जो भी काम करना पड़ता है, एक्टिविटी करना पड़ता है, उसी को उसका मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो वो कुछ एनाबॉलिज्म होगा और कुछ कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्टिव और कैटाबॉलिज्म मतलब डिस्ट्रक्टिव, है ना। इस तरह से
मेटाबॉलिज्म के अंदर से आप नोट्स लिख सकते हैं जो भी आपको जरूरत है। डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ये किस तरह से है देखिएगा। देखो डायवर्सिटी मतलब है राइट, देयर आर मोर देन, देयर आर मोर देन 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब्ड and several more be discovered yet. During the 3.5 billion years of life on earth, many living species have become extinct and still may have evolved. Out of extinct species, some have been identified with the help of fossils. कहने का मतलब है कि हमारे अर्थ पे 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज अब तक खोजे जा चुके हैं। 3.5 बिलियन ईयर्स में जो अर्थ जब बनी अब तक से लेकर के बहुत सारी स्पीसीज खत्म भी हो गई, एक्सटिंक्ट भी हो गई और बहुत सारी इवॉल्व भी हो रही है। ठीक है, खत्म जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भारत से चीता खत्म हो गया था। ठीक है, देखिए डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज इस अर्थ पे पाई जाती है। इसमें बहुत सारी एक्सटिंक्ट भी हो गई, एक्सटिंक्ट मतलब बिल्कुल खत्म हो जाना, एक भी संख्या नहीं बचना। तो भारत से चीते बिल्कुल खत्म हो गए थे, अभी नामीबिया से मोदी जी ने 8 मंगाए बर्थडे पे अपने, है ना, तो वो आ ही गए। हाँ तो आ गए, लेकिन अब आए हैं ना, जैसे किसी तरह लाया गया, नहीं तो ऐसे तो नेचुरली तो खत्म ही हो चुके थे। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल ऐसा जो मतलब अभी है डोडो मेडागास्कर में पाया जाता था एक बर्ड, बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, एक मैमथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैमथ जो कि बहुत बड़े साइज का हाथी होता था साइबेरिया में, बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से बोल सकते हैं टर्म बायोलॉजिकल डायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड हैबिटेट फाउंड इन अ डेफिनेट डिफाइंड एरिया। यूएनएपी डिफाइन इट एज एज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल एनिमल्स प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ विच दे आर अ पार्ट। द टर्म बायोडायवर्सिटी वाज coined by W.C. Rosen. W.C. Rosen ने 1985 में सबसे पहले बायोडायवर्सिटी वर्ड दिया था। ठीक है, और बायोडायवर्सिटी मतलब किसी इलाके में जो भी वैरायटी ऑफ एनिमल प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे एक इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स में, एक पारिस्थितिकी तंत्र में, हम उसको वहां का डायवर्सिटी कहेंगे, बायोडायवर्सिटी कहेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि एक छोटा सा तालाब, अब तालाब में जितने भी साइड में या कुछ अंदर भी एक्वेटिक जो भी प्लांट्स निकलते हैं, ठीक है ना, एक्वेटिक मतलब एक्वेटिक जो जलीय पौधे होंगे, उसके अंदर मान लो कि फ्रॉग भी होगा, उसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होंगे, हाइड्रा भी होगा, फंगी भी, एल्गी भी होगा जो ग्रीन ग्रीन कलर का तैरते रहता है,
फिश भी होगी। तो ये सब जो जितनी वेराइटी ऑफ स्पीसीज जो पाई जाएगी उस पॉन्ड के चारों तरफ, उसी को हम कहेंगे वहां की बायोडाइवर्सिटी। ठीक है मिश्रा जाओ, जाना है तुमको, जाओ। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑफ सम मेजर ग्रुप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो बैक्टीरिया, कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया पाई जाती है, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, है ना, ये सब देख रहे हैं इनकी कितनी क्वांटिटी है, मैंने क्या कहते हैं नंबर्स कितनी है ज्यादा। ठीक है अलग अलग स्पीसीज जितने टाइप्स की वेराइटी ऑफ पाई जाती है इसमें। तो डाइवर्सिटी का मतलब एक लाइन में आपको रखना है वेराइटी, diversity means variety। ठीक है अब देखेंगे taxonomy, मतलब समझते हैं ना कि किस तरह से ग्रुप में हम लोग बांटते हैं। तो systematic taxonomy, taxonomy species genus family, it is the functional science which deal with identification, nomenclature and classification of different kinds of organism all over the world। ठीक है तो classification, taxonomy क्या होता है उसकी definition ये है कि पूरे world में अलग अलग कितनी variety की जो भी species है उसको classify करना, अलग अलग group में बांटना। ठीक है ग्रीक वर्ड taxis प्लस nomos से मिलकर बना हुआ है ये। टैक्सोनॉमी का तो टाइप अलग अलग होता है, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, टैक्सोनॉमी का कोई टाइप नहीं है, मतलब टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन। ठीक है मैंने बात ना, अब टैक्सोनॉमी में आता है कि किस चीज को आप क्लासिफाइड कर रहे हो। ठीक है हमारे है ना कल एनसीईआरटी में उतना ही आज करा देते हैं। ठीक है ना टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि क्लासिफिकेशन इज प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सिस्टम एंड इज कन्फर्मिटी विद अ नो मैन कल्चर सिस्टम। तो पहले हम क्या करेंगे कि कैटेगरी में बांट देते हैं उसको, प्लांट एंड एनिमल्स आर रैंक्ड इन एन अरेंजमेंट ऑफ नोन कैटेगरीज सच एज किंगडम, ठीक है, फाइलम फॉर एनिमल, डिवीजन फॉर प्लांट, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज, इतने हिस्सों में बांटते हैं। द हाईएस्ट कैटेगरी इन एनिमल इज फाइलम एंड द लोवेस्ट इन द स्पीसीज। ठीक है
ये भी आपको यहां से याद याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे रैंक और टैक्सा की, ये क्या होता है। टैक्सोन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑफ एनी रैंक। द जीनस हेस्पेशिया सॉल एक्स कोरिया इज अ टैक्सोन। द फैमिली, अब इसमें अलग अलग फैमिली में किस फैमिली का था, किस रैंक का था, उस हिसाब से देखना होगा। किंगडम, डिविजन, फाइलम, है ना, इस तरह से हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। स्पीसीज से स्टार्ट है तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ स्पीसीज, दे शो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, ये क्या करता है कि एक ही जैसा मॉर्फोलॉजी होगा उनके अंदर अगर सेम स्पीसीज का। जैसे मान लो कि हम बंदर की बात करें, मंकी की, तो मंकी की मॉर्फोलॉजी मतलब कि उसके ग्रुप्स का, तो जितने भी बंदर होंगे लगभग एक ही जैसे सब, तभी तो उसको उस कैटेगरी में हमने रखा है। दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड ट्रूली इन नेचर। दे प्रोड्यूस्ड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऑर्डिनरी दे कैन नॉट ब्रीड विद अदर स्पीसीज। ऑफस्प्रिंग मतलब अपने ही जैसे बच्चे, चाइल्ड होता है। हाँ, बायोलॉजी में हम ऑफस्प्रिंग ही वर्ड यूज करते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब देखो चाइल्ड ही नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग मतलब सेम अपने ही जैसे चाइल्ड को जन्म देगा। बंदर बंदर को ही जन्म देगा, है ना, वही। कैन नॉट ब्रीड विद अदर स्पीसीज, अदर स्पीसीज को जन्म तो नहीं दे सकते ना। अब आपने गाय पाला है और उससे मान लीजिए शेर का बच्चा आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अब शेर के बच्चे के क्या करिएगा। प्रणव बाबू तो कुछ कर भी सकते हैं, हाथ में एकदम कुत्ते की तरह बांध के घूम सकते हैं, हम लोगों में उतना ताकत नहीं है। देख जीनस, इट फॉर्म्स द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हायर देन स्पीसीज। ठीक है, इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज डॉग, जैकल, ओल एंड प्लेस इन द सेम जीनस। अब देखो डॉग की स्पीसीज होगी तो सब क्या होगा, अलग अलग, जैसे ये बुलडॉग हो गया, ये जर्मन शेफर्ड अलग अलग हो गया। लेकिन अगर जीनस की बात करेंगे तो जो डॉग फैमिली से होगा। अब अगर आप कैट फैमिली की बात करें तो उसमें टाइगर भी है, लॉयन भी है, जैका टाइगर है, लॉयन है, चीता है, सभी की कैट फैमिली का होगा ना। और हमारे घर में जो बिल्ली वो भी कैट फैमिली की हो तो कैट ही है। तो यहाँ डॉग की बात करें तो डॉग फैमिली से डॉग भी होता है, जैकल भी होता है, जैकल उल्फ भी होता है, इस तरह से सारे आते हैं। तो ये सेम जीनस हम लोग मानते हैं इसको। ये स्पीसीज से हायर कैटेगरी हो गई। अब जैसे मैं कहूं कि सेम स्पीसीज, तो डॉग है तो उसके अलग अलग ब्रीड हो गए, वो स्पीसीज कहलाते हैं। लेकिन हम कहेंगे जीनस तो अब डॉग के जैसे दिखने वाले बहुत सारे जानवरों को हम लेंगे तो थोड़ा बड़ा ग्रुप बन गया ना, इसलिए उसको थोड़ा बिग ग्रुप कहेंगे। बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर बट बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। ये स्पीसीज में तो डिफरेंट होंगे, सेम जीनस में होने वाले स्पीसीज में तो डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका जो ग्रुप होगा वो एक ही जैसा होगा। जैसे ये सारे कैनाइन्स होंगे, कैनाइन्स कह सकते हैं, जीनस क्या होगा, कैनाइन्स। सिमिलरली पोटैटो, ब्रिंजल एक्सेट्रा आर प्लेस इन सेम जीनस सोलेनम बट बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। ये स्पीसीज में अलग अलग होते हैं। अपना काम करो, क्या मुंह देख रहे हो दूसरे का, कौन पैर किसका तोड़ दिया। हम तोड़ते हैं तो इतना ही एग्जांपल दे देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंसेज बिटवीन स्पीसीज एंड टैक्सोन, ये पेपर में आ सकता है कि स्पीसीज और टैक्सोन में क्या डिफरेंस है। ये पूरा का पूरा चार्ट बना दूंगा आपको नोट्स में। तो कैटेगरी में इट शोज बेसिक टैक्सोनॉमी कैटेगरी, स्पीसीज बेसिक टैक्सोनॉमी बताता है। लेकिन टैक्सोन की बात करेंगे तो इट शोज एनी लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरी, टैक्सोन थोड़ा और भी ज्यादा हायर हो गया। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट इज अ रैंक एंड रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म एंड इट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ कॉन्क्रीट बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये केवल नाम का होगा, स्पीसीज बोल देंगे जैसे बुलडॉग हो गया, ये सब हो गया, लेकिन एकदम बिल्कुल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को बताएगा कि क्या उसमें रियल क्या मैच कर रहा है। अब
फाइलेटिक मतलब मोनोफाइलेटिक है, और ये मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक बताते हैं क्या, ध्यान से जाइएगा तार में पाओ नहीं। उसके बाद होगा फैमिली, जैसे इंसान की बात करते हैं, समटाइम्स अ जीनस मे बी मेड अप ऑफ ओनली वन स्पीसीज, एज इन अ मैन इन द जीनस ऑफ होमो, होमोसेपियंस है, हम लोग सारे इंसानों को होमोसेपियंस कहते हैं। तो ये जितना भी है ना जीनस, अब इंसान के जैसा दिखने वाला, अब ऐसा नहीं है ना कि भालू भी हम लोग की तरह दिखता है, बंदर भी हम लोग की तरह दिखता है, इंसान तो इंसान की तरह ही दिखता है, इसलिए होमोसेपियंस आ गया। तो कुछ जीनस ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही स्पीसीज होती है। नहीं नहीं वो थोड़ा दूसरा जीनस हो जाएगा ना उसका, क्योंकि हम लोगों से बहुत सारी चीज उसकी नहीं मिलते, नहीं वो बात हम आपकी समझ रहे हैं। जैसे एक्चुअली में क्या हुआ कि जब हम लोगों ने अपना एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करनी स्टार्ट की, तो देखा कि सबसे अधिक हम लोग किसके ज्यादा नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट मतलब शक्ल से नहीं होता और बॉडी के स्ट्रक्चर से नहीं, डीएनए मैच करते। तो जो चिंपैंजी है ना, गोरिल्ला चिंपैंजी, तो चिंपैंजी के 98 बंदर नहीं, मंकी नहीं बोल सकते आप, आपको चिंपैंजी बोलना पड़ेगा, क्योंकि मंकी मतलब कि वो एपिक्स बने जो है ना बहुत सारे हो गए वो। अब जो चिंपैंजी है उसका 98% तक डीएनए हम लोगों से मिलता है, समझ रहे ना, तो वो सबसे नियरेस्ट तो वही हो गया ना, जितना ज्यादा डीएनए मैच करेगा। फैमिली, अ नंबर ऑफ जेनेरा हैविंग सेवरल कॉमन कैरेक्टर फॉर्म अ फैमिली, ठीक है, जैसे That is why they have been placed in the same family. दूसरा देखते हैं, इस देखिएगा, the genus Ulpus of foxes shows few characters common with canines. Thus, both the genera are placed in the family canine. ठीक है? अब जैसे अगर fox की बात करेंगे तो genus में क्या होता है? Canine के जैसा होता है। Canine होता है ना, जो जिसके canine के दो नुकीले दांत निकले होते हैं साइड में, जिसके canine होगा। ठीक है, हाथी का तो नहीं होगा ना, उसको हम कैनाइन की ग्रेड में नहीं रख सकते, तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, फॉक्स को क्या किस में रखेंगे, कैनाइन्स में रखेंगे, और फैमिली हो जाएगी कैनाइन। तो मतलब कि अधिकतर कैरेक्टर्स उसके मिलते हो कॉमन कैरेक्टर, लेकिन बहुत ज्यादा कैरेक्टर मिलने चाहिए, सेवरल कैरेक्टर मिलने चाहिए, मैंने दो तीन कैरेक्टर नहीं, अधिकतर कैरेक्टर मिलने चाहिए, तभी हम उसको एक फैमिली में रखें। जैसे डॉग फैमिली में हो गया ना, जैसे कैट फैमिली में, आप लॉयन को देखो, टाइगर को देखो, बहुत ही माइनर चीज ही डिफरेंस होगा, नहीं तो लगभग सब चीज एकदम कॉमन ही होता है ना। ऑर्डर, अ नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग कॉमन कैरेक्टर आर प्लेस, तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? यस, खाना नहीं खाई हो? गुड। अ नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग कॉमन कैरेक्टर आर प्लेस्ड इन एन ऑर्डर, अब बहुत सारी फैमिली खुलेंगे और उन फैमिली के कैरेक्टर अगर आपस में मिलते हो तो हम उसको क्या कहेंगे, एक ऑर्डर में। ठीक है, ये लिखना है आपको, डॉग्स बिलोंग्स टू फैमिली कैनिडी, द कैट टाइगर एक्सेट्रा बिलोंग टू फैमिली फेलाइडी, द बियर्स आर इंक्लूडेड इन फैमिली यूरिसाइड because dogs cats and bears are carnivorous their family are included under order carnivora unki family alag alag hai dog ki family alag hai cat ki family alag hai bear ki family alag hai lekin sabke sab kya hai na canines hai matlab carnivorous hai carnivorous hai isliye jo bhi carnivorous hote hain matlab ki order jo gaya bada group ho gaya hum log species se chale uske baad उस स्पीसीज के बाद क्या आया था जीनस, जीनस के बाद क्या आया फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद ये क्लास, इस तरह से आगे बढ़ते चले। तो ऑर्डर वो होता है जिसमें बहुत सारी फैमिली एक साथ हो, ठीक है, और उन फैमिली के कैरेक्टर्स मिलते जुलते हो। इसे प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्बो वैलेंस एंड सोलेंसी are included in order polymonials, monials, ठीक है, polymonials, mainly based on the floral character. Animal order carnivora include families like felid and canine.
प्लांट का भी हम ले सकते हैं कि जो भी जिसके भी फ्लावर जिस भी क्या कहते हैं प्लांट में फ्लावर आता है हम उसको क्या कहेंगे पॉली मोनियल्स कर सकते हैं, ठीक है इस तरह से। तो क्लास की अगर बात करें द क्लास इज अ बेसिक कैटेगरी सिमिलर ऑर्डर आर प्लेस टूगेदर इन अ क्लास, इतना ही लिख देंगे और एक एग्जाम्पल तो काम चल जाएगा। मतलब एक जैसे ऑर्डर वाले को हम एक क्लास में रखते हैं, जैसे मैमिलिया जितने मैमल्स होंगे रखेंगे हम लोग, ठीक है ना, मैमल्स समझते हैं ना। फाइलम मेनी क्लासेज विद सम कॉमन कैरेक्टर आर इंक्लूडेड इन अ फाइलम, जिसमें बहुत सारे क्लास होंगे एक जैसे कैरेक्टर वाले क्लास होंगे हम उसको एक साथ रखेंगे और उस ग्रुप को क्या कहेंगे फाइलम कहेंगे। तो फाइलम कोटाटा इंक्लूडेड क्लासेस लाइक पीसीज एम्फीलिया रेप्टिलिया एविस एप्स, ठीक है ना, मैमिलिया, बिकॉज ऑल द कॉमन कैरेक्टर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड डॉर्सल होलो नर्व्स सिस्टम एंड फेरनेक्स परफोरगेटेड बाय गिल्स टीथ। तो मतलब जो भी सेम टाइप के क्लासेस होंगे हम उसको एक ग्रुप में रखेंगे और उस ग्रुप को फाइलम कहेंगे। किंगडम टैक्सोनॉमी का सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है, सबसे ऊपर का, कहा भी गया है ऑल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन एनिमल किंगडम एंड ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम, ठीक है। और वही गया होगा पहले थे कि हम करा के ही भेजेंगे हायरार्की It is a system of arrangement of a framework for classification in which various taxonomic categories are placed in order to logical sequence. इसको हम क्या कहते हैं? Hierarchy कहते हैं। The variation noticed in the living organism are not uniform. It can be arranged in various group of different rank. तो kingdom जैसे मान लीजिए कि हम मेज की बात करें, एक example लिए हैं। तो इसका किंगडम क्या होगा प्लांट में, डिवीजन क्या होगा, सब डिवीजन क्या होगा, क्लास क्या होगा, सीरीज फैमिली जीनस स्पीसीज क्या होगा, इस तरह से याद करना है। सोच लीजिए आगे जाके क्या होगा, अभी तो डिलीटेड में जीवन चल रहा है। ये डेफिनेशन पूरा होना चाहिए आपको लिखा हुआ, तो फिर वहां क्यों आ गए, बात मत करना गलती से। बरसाती मेंढक चुप हो गए। देखिएगा हायरार्की लिटरली मींस अ सीरीज ऑफ सक्सेशन ऑफ डिफरेंट रैंक्स, सो द वेरियस स्पीशीज हैव बीन अरेंज्ड इनटू अ डिफरेंट कैटेगरीज एंड टैक्सन। एक्चुअली में जो लिटरली मीनिंग जो होता है हायरार्की का, हायरार्की मतलब वंशानुगत, ठीक है ना, हायरार्की पदानुक्रम, a series of succession of different ranks so the various species have been arranged into a different categories and taxa. हर चीज की हायरार्की अलग होगी, मेज का अलग होगा तो मस्टर्ड का अलग होगा, उसको इस तरह से हम लोग क्लासिफाइड कर लेंगे या टैक्सोनॉमी कर लेंगे, वही उसकी हायरार्की होगी। हायरार्की मतलब उसके सब चीजों के बारे में बताना, जैसे अगर इंसान का तो ब्लड ग्रुप क्या है, डीएनए क्या है, इसके अंदर मतलब की आईक्यू पावर क्या, सब चीज की कैटेगरी हो जाएगी, सब चीज को मेजर करके हम बताएंगे। ठीक है, और प्लांटी की बात करेंगे तो डिवीजन में देख लीजिए क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि और इसमें अभी आपके एनसीईआरटी में अभी जल्दी मैंने शुरू कर दिया ना, दिमाग गर्म हो जाता है। देखेंगे की क्या, अ की प्रोवाइड A key provide a convenient way for
A key provides a convenient way for easy identification of an organism by applying diagnostic or distinguishing characters. की क्या होता है, जैसे की मतलब है नहीं, वो चार्ट बना देते हैं उसी को की करते हैं। अब इससे क्या हुआ, जैसे ही हम देखेंगे ना तो दो चीजों के बीच में है ना, हम ग्रुप को क्या कहते हैं, मतलब कि उसको कंपेयर कर सकते हैं, छांट सकते हैं कि भाई इसमें ये इस ग्रुप में रह सकता है कि नहीं, क्या इसके कैरेक्टर सेम है या नहीं, इक्वल है या नहीं, है ना। सो अ की प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे, एक ही हमें ऐसा सुविधाजनक या आसान रास्ता देता है जिससे कि आसानी से हम लोग पहचान कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और डिस्टिंग्विश मतलब उसके कैरेक्टर्स में, डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स मतलब उसके डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं या गुण जो होते हैं उसके बीच में अंतर बता सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे, आइडेंटिफाई वेरियस नंबर ऑफ फैमिली लिलियनसेन फॉलोइंग डायग्नोस्टिक कैरेक्टर विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द मेंबर ऑनियन एस्पैग्रस एस्पोडियस, ठीक है ना, एस्पोडिलस, तो फ्लावर ट्रिविरस, ये जितना भी चीज है ना आपको ये देखना पड़ेगा। अगर ये सारा चीज पता है तो उसके हिसाब से हम उसको की यही किए, उसका जो भी गुण है जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब तो भाई याद करना बड़ा ही मुश्किल है, इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। तो की में आपको बस इतना ही बता देता है, अगर आएगा नीड एनी स्कोप ऑफ टैक्सोनॉमी नहीं आ रहा आपका, और आ रहा है तो मैं अगर पूछ दे तो मैं बता देता हूँ कि इसे मल्टीपल रोल ऑफ सिस्टमेटिक और यूटिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक कैन बी डिस्क्राइब्ड। अगर हम टैक्सोनॉमी जानते हैं, मतलब टैक्सोनॉमी मतलब ग्रुप में अलग अलग बांटना, क्लासिफाइड करना, तो डाइवर्सिटी का पता चलता है कि कितनी ज्यादा वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं। उसके साथ साथ पता चलता है रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेज, दूसरे ब्रांचेज से एक का क्या रिलेशन है, है ना। अप्लाइड बायोलॉजी, इट हैज बी ग्रेट रोल फॉर अप्लाइड बायोलॉजी आल्सो एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्लांट्स कैन बी चेक। अप्लाइड बायोलॉजी मतलब हम अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में पता कर सकते हैं कि वो हार्मफुल है कि नहीं है कैटेगरी में। रोल इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट की ब्रीडिंग हम करा सकते हैं, नए टाइप के प्लांट बना सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा होगा जानने से, हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर भी बढ़ सकता है। हॉर्टिकल्चर मतलब कि जो बागवानी होती है ना, जैसे फ्रूट्स की जो हम लोग बगीचे लगाते हैं, है ना, और फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर के जो भी बगीचे जो लगाते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव जंतु और पेड़ पौधों को बचा सकते हैं। इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, इससे हम लोग इंडिकेटर भी बना सकते हैं जिससे पता चल जाए कोई चीज हार्मफुल है या नहीं और हमारे लिए यूजफुल है या नहीं। हर्बेरियम यार है, देखिए क्या होता है हर्बेरियम। अ हर्बेरियम इज अ कलेक्शन और वेल ड्राइड एंड नाइसली प्रिजर्व्ड प्लांट व्हिच आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एन अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे मैं आपको बताऊं, द प्लांट आर यूजुअली प्लेस्ड एंड माउंटेड ऑन द सीट ऑफ पेपर नोन एज द हर्बेरियम सीट। द प्लांट व्हिच आर नॉट सूटेड फॉर प्रेसिंग एंड माउंटिंग लाइक succulent fruits and seeds of plants, cones, etc. are either preserved in 2.5% formally or FFA, formaldehyde acetic alcohol जिसको कहते हैं, और dried and stored in the large container। देखिए हम आपको मतलब समझाते हैं। इसमें क्या होता है, जो extinct ये जितने भी अभी अर्थ पे प्लांट पाए जाते हैं mostly, उन सभी को प्रिजर्व करके उसकी सीड को या बीज को रखा गया है कि अगर मान लो कि बाय चांस ऐसा हो कि हमारे अर्थ पर है ना एक डिस्ट्रक्शन हो जाए, पूरा टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाए, प्रलय आ जाए, तो उसको इस तरह कंटेनर में स्टोर करके रखा गया है कि हम लोग फिर से उस चीज से नए प्लांट जनरेट कर सकते हैं। अगर धरती से सारे प्लांट ही खत्म हो जाए तो मिट्टी तो रहेगी ना, बाद में हम उससे कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि जिस तरह से अब जो भी प्लांट्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं हम लोग उसको लेबोरेटरी में ग्रो करा के फिर से उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। तो इसी प्रोसेस को हर्बेरियम कहा जाता है। ठीक है, इससे समझाऊं, अ हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ वेल ड्राइड मतलब अच्छे तरह से सुखाए हुए, नाइसली प्रिजर्व मतलब अच्छी तरह से प्रिजर्व किए हुए बचाए के रखे गए प्लांट विच आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू द अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफाइड करके, भैया बरगद के पेड़ की ये वेराइटी है,
ये फ्रूट्स वाले हैं, ये फ्लावर वाले हैं, ये माउंटेन वाले हैं, ये डेजर्ट वाले, इस तरह से क्लासिफाइड करके। तो माउंटेन्स प्लांट होते हैं जो कॉनिकल फॉरेस्ट होते हैं, जैसे पाइन हो गया, बर्च हो गया, और डेजर्ट में पाया जाएगा सब प्लांट। क्रिसमस ट्री देखा है आपने डेजर्ट में? नहीं मिल सकता ना। तो अलग अलग मतलब की कैटेगरी है। जैसे मान लो कि जैसे क्या कर सकते हैं, कहाँ के फॉरेस्ट में कौन सा प्लांट पाया जाता है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। बेशक वो अभी बहुत संख्या में हो, लेकिन हमने प्रिजर्व करके रखा है क्योंकि प्रलय तो बता के नहीं आएगा ना। आपको पता है कौन सा है? मैंने एक ऐप है बिहार सरकार का, मैंने पढ़ा था कहीं, आपको बताऊं इसके बारे में। इंद्रवज्र ये एक ऐप है कि अगर कहीं भी बिजली गिरने वाली ना तो 25 मिनट पहले ही आपको क्या कहते हैं कि इन्फॉर्म करते हैं कि भाई इस इलाके से दूर हो जाए, यहाँ पर ये बिजली गिर सकती है, समझ रहे हैं ना, लाइटनिंग हो सकती है। तो ऐसा है। सुने यार, अच्छे अच्छे मंदिरों में यार त्रिशूल लगता है, वहां पर भी बिजली गिर गई। आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में बिहार जितना लाइटनिंग से कोई भी नहीं मिलता, सबसे अधिक यहीं पे बिजली गिरती है। मरते मरते बहुत ज्यादा है, सबसे अधिक यहीं पे मरते भी हैं, गिरती भी है, मरते भी है। देखिए पर्पस क्या है हर्बेरियम का है, मतलब जो भी एक्सटिंक्ट एनिमल या प्लांट्स हैं, सॉरी प्लांट्स हैं, उनको अच्छे से बचा के रखना था कि बाद में हम उसको ग्रो करा सकें। और प्रोसेस कलेक्शन, पहले प्लांट को कलेक्ट करेंगे, ये आएगा नहीं उतना, मैं एक बार बस बता दूं, प्रेसिंग एंड ड्राइंग, उसको प्रेस करके बहुत ज्यादा दबाएंगे तो मॉइस्चर निकल जाएगा और सुखा के रखना पड़ता है, नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो बैक्टीरिया में खत्म भी हो जाएगा। मॉनिटरिंग एंड लैबनिंग, स्टोरिंग, बोटानिकल गार्डन क्या होता है? देखो बोटानिकल गार्डन इज अ प्लेस वेयर देर इज एन असेंबल्स ऑफ लिविंग प्लांट मेंटेन फॉर बोटानिकल टीचिंग एंड रिसर्च पर्पसेस। वहां पे हर अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ प्लांट्स उगाए जाते हैं एक छोटे से इलाके में। जैसे मान लो कि एक छोटे से इलाके में डेजर्ट का भी उगा देंगे, माउंटेन का भी उगा देंगे। माउंटेन के प्लांट को देखने के लिए आपको पहाड़ पे नहीं जाने की जरूरत। तो ये रिसर्च के लिए होता है। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर मान लो कि स्टडी कराना है तो प्लांट तो दिखाना पड़ेगा ना। यहाँ पर तो हम प्लांट नहीं दिखा सकते, तो पीके दिखा सकते हैं, लेकिन वहां पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर ऐसे किया जाता है। तो छोटा मोटा बोटानिकल गार्डन बनाया जाता है। यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा है बोटानिकल गार्डन, गार्डन होगा, बोटानिकल गार्डन नहीं होगा। वो सब तो मेढक कैसे जिंदा रखता है असली क्या, लेकिन बोलता नहीं होता, लेकिन पूरा बॉडी उसका एनेस्थीसिया दे देते हैं ना, उसको घूस करके रखते हैं उसको। जैसे वो जब उसको क्या करते हैं सर्जरी करेंगे ना, तो उसके सारे जो बॉडी पार्ट्स, लंग्स का ये सब दिखाने के लिए कहते हैं सर कि निकाला था लेकिन वो केमिकल से बना है। अपने को प्रिजर्व कर दिया गया होगा उसको। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? जूलॉजिकल पार्क को हम जू भी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए बोटानिकल गार्डन मतलब एक ही प्लेस पे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को हम लोग रखते हैं, और जूलॉजिकल पार्क मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को एक छोटे से जगह में, एक ही जगह में, तो उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा है, ठीक है ना। क्योंकि जूलॉजी मतलब कि एनिमल से रिलेटेड होता है, और बॉटनी मतलब कि बायोलॉजी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड होता है। तो ये जू से रिलेटेड, हाँ जू से मतलब जू, जूलॉजी मतलब कि एनिमल से, जीव विज्ञान, हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, जीव मतलब कि एनिमल है ना, इसलिए जूलॉजिकल कहते हैं। म्यूजियम एंड देयर सिग्निफिकेंस, तो म्यूजियम में भी कुछ चीजों को रखते हैं, तो मतलब चीज तो पहले ही बता दिया भाई आपको। इसके टाइप हाँ देख बता देते हैं। ये बेटा लिख लीजिएगा, जूलॉजिकल पार्क और जूलॉजिकल म्यूजियम में क्या डिफरेंस है? कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये रहता है। की देख लो, की रिप्रेजेंट द स्कीम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बस इतना लिखना। और टाइप्स ऑफ की, यॉर्क और
इंडेंटेड की, ब्रांच्ड की, इसके बारे में थोड़ा बता देना। यही चैप्टर है आई थिंक सो, चैप्टर खत्म। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसको YouTube पे अपलोड कर दूंगा।